हेलो दोस्तों, मैं हूं नाज़िम खान, प्रोफेशनल एक्सेल एक्सपर्ट और एक्सेल ट्रेनर। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल के अंदर कॉर्पोरेट डैशबोर्ड रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। आपको यहां पर मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा ताकि आप इसको प्रॉपरली समझ पाएं, और अगर आप इसको पूरा डीपली सीखना चाहते हैं तो आप मेरे एक्सेल के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं MIS रिपोर्ट, डैशबोर्ड रिपोर्ट, पूरा बेसिक से लेकर मैंने एडवांस तक का उसमें सिखाया हुआ है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डैशबोर्ड का डेमो दिखा देता हूं। देखिए, ये डैशबोर्ड बनाया मैंने, और यहाँ पर हमने दिए हैं साइट्स के नेम। यहाँ पर हमारी जो साइट चल रही है ना, वहाँ की सिटी नेम डाल दिया मैंने। यहाँ पर है एक्सपेंसेस के नेम, हेडिंग है, और यहाँ पर उनका अमाउंट है। इसी तरह से एक्सपेंसेस के नेम यहाँ नीचे आ रहे हैं और यहाँ पर ऊपर उनका अमाउंट आ रहा है। ओके, यहाँ पर ऑल साइट का डेटा है, जितनी भी साइट्स हमारी चल रही हैं तो उनका यहाँ पर ऑल का डेटा आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे चाहिए कि भाई दिल्ली की जो साइट है उसका क्या एक्सपेंसेस है, तो मैंने दिल्ली पर क्लिक किया और दिल्ली के हिसाब से मेरा जो डेटा है वो चेंज हो गया है। ठीक है, अमाउंट सारा चेंज हो गया है, यहाँ पर भी ग्राफ चेंज हो गया है। और देखिए, गुजरात पर क्लिक करता हूँ तो गुजरात के हिसाब से सारा डेटा चेंज, कोलकाता, मुंबई, राजस्थान, ये देखिए आप सारा डेटा ऑटोमेटिकली जो है चेंज हो रहा है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो ऊपर नाम भी यहाँ पर चेंज हो रहा है, बिहार लिखा हुआ है ना, मैं दिल्ली पर क्लिक करता हूँ तो दिल्ली आ जाता है, गुजरात पर क्लिक करता हूँ तो गुजरात आ रहा है। और इसी तरह से ये जो डेटा है ये वाला भी पूरा चेंज हो रहा है। तो कैसे हो रहा है पूरा, ये कैसे बना सकते हैं आप, ये आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑल साइट्स का डेटा आ जाएगा, सारी साइट्स का यहाँ पर हमारा डेटा आ जाएगा। ओके, चलिए अब मैं आपको डेटा बता देता हूँ, ये जो डेटा इन्फॉर्मेशन उठा रहा है वो कहाँ से उठा रहा है। डेटा नाम से एक शीट है, और पहले इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने दी है एक्सपेंसेस की डेट, जो एक्सपेंसेस हुआ है, जो भी एक्सपेंसेस हमारा हुआ है उसकी डेट यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद है एक्सपेंसेस का नेम, क्या एक्सपेंस हमारा हुआ है, फूड है, ट्रैवलिंग है, वेजेस है, रूम रेंट है, जो भी है वो यहाँ पर हमारे सारे आ जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारी साइटें चलती हैं ना, या तो वहाँ से हमारे पास पर्ची आती हैं एक्सपेंसेस की, वो हमें एक्सेल में एंटर करनी पड़ती हैं, या फिर ऐसा होता है कि एक साइट पे हमारा कोई पढ़ा लिखा कोई वहाँ पर बंदा है, वो हमें एक्सेल वहाँ से ही बनाकर भेजता रहता है। तो कैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन इस फॉर्मेट में रखनी है तो आपको रिपोर्ट आसानी से बना सकते हैं। डेट लेना है, साइट का एक्सपेंसिस का नेम, उसके बाद है साइट का नेम, क्या कौन सी साइट है आपको यहाँ पर, आप सिटी का नेम डाल दो या फिर साइट का नाम आप डायरेक्ट डाल सकते हो, तो आपके जो आउटपुट है यहाँ पर वो यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता मैंने इस तरह से साइट के नेम डाल दिए हैं। उसके बाद है क्या खर्चा हुआ है, उसका जो अमाउंट है वो यहाँ पर आ गया। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो कि जो आपका एक्सपेंसेस हुआ है वो, उसमें डीपली अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी। तो मैंने फिलहाल इसमें इसको ब्लैंक छोड़ दिया है क्योंकि ये हमारा डैशबोर्ड के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। डीपली अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा डेटा है पूरे साल का, यहाँ पर मैंने डेटा ले लिया है, काफ़ी बड़ा डेटा है। ओके, अब हम डैशबोर्ड बनाएंगे तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको एक दूसरी शीट पर कॉपी कर लिया है, ये दूसरी फाइल में ले लिया है मैंने, ताकि आपको मैं प्रॉपरली समझा लूँ। पूरा वही डेटा है और दोबारा से हम इस डैशबोर्ड को बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस डेटा को पूरे को सिलेक्ट कर लेना है नीचे तक। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके नीचे तक सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरा। ये 367 रो हैं, पूरी सिलेक्ट हो गई हैं। ओके, अब हम जाएंगे यहाँ पर इंसर्ट में और जाएंगे पाइवट टेबल में। अब कुछ लोग पीवट टेबल बोलते हैं, कुछ पाइवट टेबल बोलते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ पर हम न्यू वर्कशीट ले लेते हैं और ओके, नई शीट में हमारी जो है रिपोर्ट बनेगी। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले जो हमारी मेन चीज़ है वो क्या है, हमारा है एक्सपेंस, एक्सपेंस वाइज रिपोर्ट चाहिए और साइट के हिसाब से चाहिए अलग अलग। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक्सपेंस को पकड़ के यहाँ पर रो में आपको इसको डाल देना है। तो यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस के नेम इस साइड में आ जाएंगे। इसी तरह से अब हमें इसके सामने अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट को ड्रैग करके हम वैल्यूज में छोड़ देंगे तो अमाउंट का टोटल उनके सामने आ जाएगा। इसी तरह से अब हमें चाहिए साइट वाइज, तो साइट का नेम उठा के आपको डालना पड़ेगा फिल्टर के इस वाले ऊपर वाले बॉक्स में, यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा साइट का नेम ऊपर आ गया है, यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर उसके खर्चे आ रहे हैं। अब जैसे ही यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक करके किसी भी साइट पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारा अमाउंट चेंज हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से अमाउंट चेंज हो जाए, ऑल पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो सारी साइटों का मर्ज होके एक अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारी इस शीट का मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ भी कैलकुलेशन डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल CALCULATION। अभी हमारा डैशबोर्ड अलग बनेगा, तो ये मैंने बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक पाइवट चार्ट ले लेते हैं, इसको हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे या फिर एक टेबल में, इस पाइवट टेबल में आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे
तो यहां पर ये ऑप्शन आएगा एनालाइज का, इस पर क्लिक करेंगे, यहां पर प्राइवेट चार्ट आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे और जो भी आपको डिजाइन चाहिए, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है, जो समझ में आ सके आपके, आप वो ले सकते हैं। मैं फिलहाल सबसे पहला कॉलम वाला ले लेता हूं और ये वाला मैं ले लेता हूं। ओके, इसको मैं ओके कर देता हूं। अब हम क्या करते हैं, इसको एक हम दूसरी शीट के अंदर लेकर जाएंगे और वहां पर हम इसकी डिजाइनिंग वगैरह सब करेंगे। तो चलिए अब मैं एक काम करता हूं, अब एक नई शीट ले लेते हैं, डैशबोर्ड, उसका हम नाम रख देते हैं, इसको शुरू में ले जाके डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड नाम से यहां पर हमने शीट बना ली है। अब उस चार्ट को हम उठाकर ये वाला जो चार्ट है इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे और यहां पर जाके पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी, तो ये हमारा चार्ट यहां पर बन गया है। अब हम इसकी थोड़ी डिजाइनिंग वगैरह करेंगे। जो डैशबोर्ड होता है ना उसके अंदर मेन चीज डिजाइनिंग होती है, इन्फॉर्मेशन तो दो मिनट में आ जाएगी इसमें चार्ट बन के, लेकिन उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको मेनली वो चीज होती है। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, हम इसकी डिजाइनिंग कर लेते हैं। इसको मैं यहां पर इसको बंद कर देता हूं और यहां पर मैं एक काम करता हूं, इसकी ग्रिड लाइन हटा लेते हैं सबसे पहले। तो ग्रिड लाइन हटाने के लिए जाएंगे हम व्यू के अंदर और यहां पर ग्रिड लाइन को इस पर हम क्लिक कर देंगे, तो यहां पर हमारे पास जो है प्लेन पेज आ गया। अब ये चार्ट जो है इसके अंदर यहाँ पर ये बटन आ रहा है ना, ये आलतू फालतू से लग रहा है, इसको राइट क्लिक करके हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट, इसको हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो ये जो नेम है ये टेढ़े आ रहे हैं लिखे हुए, तो होम पे जाकर यहाँ पर मैंने क्लिक किया, होम पे गए और यहाँ पर ओरिएंटेशन में जाके ये वाला ले लेते हैं, तो ये सीधे सीधे आ जाएंगे। ठीक है, ओरिएंटेशन आप जैसे रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो ये आ गया, अब थोड़ा एक काम और करते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। चार्ट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा फॉर्मेट का और ये डिज़ाइन का, ये इस तरह से आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ पर हम कोई सा भी डिज़ाइन ले लेते हैं, मैं ये ब्लैक वाला ले लेता हूँ, ये देखिए। ओके, अभी यहाँ पर एक चार्ट में एक चीज़ और है, यहाँ जो बार है इसके ऊपर अमाउंट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे डेटा लेवल पे, तो यहाँ पर ये ऊपर अमाउंट इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा अब ठीक ठाक लग रहा है। एक काम और कर सकते हैं, इसको यहाँ पर क्लिक करके हम होम में जाएंगे और यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज हम बड़ा कर देते हैं, ये देखिए, जितना आप बड़ा करना चाहें, जो विजिबल हो वो आप अपनी अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। इसको मैं इस तरह से थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये जो टोटल लिखा हुआ है इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे बटन आ रहे थे साइट नेम वाले, वो कैसे आएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस चार्ट पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ जाएंगे इंसर्ट के अंदर। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्लाइसर का, ये जो स्लाइसर का ऑप्शन है, ये बटन जो है ये आपको एक्सेल के 2016 में और 2019 वर्जन में मिलेगा, एक्सेल के 2007 में पुराने वर्जन में ये नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको एक्सेल का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर लेना, बहुत अच्छा वर्जन है। तो यहाँ पर हम जाते हैं इंसर्ट में, स्लाइसर में, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि आपको जो यहाँ पर साइड में बटन चाहिए, जो मैं बटन बना रहा था, वो किस बेस पर चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ, मुझे चाहिए साइट नेम की बेस पर, यहाँ पर साइट के नेम लिखे हुआ जाए, और मैं चाहता हूँ एक्सपेंस की नेम पर बेस पर आ जाए, तो एक्सपेंस यहाँ पर बटन आ जाएंगे, तो मैं यहाँ पर साइट नेम के हिसाब से चाह रहा हूँ, ओके कर देंगे, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये बटन हमारे बनाकर यहाँ पर हमें दे देता है। इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने यूज़ के अकॉर्डिंगली, यहाँ पर मैं इस तरह से ये ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारा चार्ट जो है चेंज हो जाएगा, ये देखिए हो रहा है, और यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो ऑल का डेटा आ जाएगा। अभी हम इसको और डिज़ाइन करेंगे और कस्टमाइज करेंगे ताकि हमारी रिपोर्ट क्लियर आ जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेबल ले आते हैं, जो हमने यहाँ पर ये वाली दे रखी है, ये वाली जो टेबल है ना, ये वाली टेबल किस तरह से आई है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम इसी को कॉपी करेंगे, इसको इतना एरिया पूरा कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और डैशबोर्ड में जाकर यहाँ पर जाएंगे राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और वैल्यू और ओके। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ तो ताकि मैं अपनी खुद की डिज़ाइनिंग यहाँ पर कर सकूँ, क्योंकि इसके अंदर हम थोड़ी लिमिटेड ही डिज़ाइनिंग कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी कस्टमाइज डिजाइनिंग करूंगा और वी लुकअप से इसको जोड़ दूंगा। इसको मैं अमाउंट को डिलीट कर देता हूँ, इसको फिलहाल हम इसको इधर करते हैं और यहाँ पर हम इसको थोड़ा कस्टमाइज अपने हिसाब से कर लेते हैं, बॉर्डर वगैरह देकर। ये यहाँ पर मैं इसको मैं कलर दे देता हूँ, ये देखिए ठीक है, इसको वो लास्ट वाले को भी देते हैं, ओके। अब हम थोड़ा वी लुकअप हम इसका बाद में लगाएंगे, पहले हम इसकी थोड़ी डिजाइनिंग कर लेते हैं फाइनल। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ पर हम शेप्स में जाकर एक शेप ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली ले लेता हूँ, और ये देखिए ये मैंने जो शेप ली है ना, ये वाली, ये जो बनाई है, ये कैसे बनाई वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये ले लिए और ये मैं इसको इस तरह से गोल कर देता हूँ, ये देखिए ओके। अब यहाँ पर इसको जो भी आप कलर देना चाहें, ये देखिए मैंने ये यहाँ से ले लिया, फॉर्मेट में जाकर यहाँ पर हम कलर ले लेते हैं, जो भी आप कलर रखना चाहें, या फिर होम में जाकर यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, ये देखिए
तो ये कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड, यही कलर सही लग रहा है। इसके बाद क्या करना है, ये देखिए इसको ऊपर आ रहा है तो इसको हम यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर रख के और फॉर्मेट में जाकर इसको हम कर देते हैं सेंड टू बैक, तो ये बैक पे पहुँच जाएगा और वो आ जाएगा फ्रंट पे। इसको मैं थोड़ा यहाँ पर नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पर अब बिल्कुल सही है, थोड़ा इसको हम इधर कर लेते हैं, गैप आ जाएगा थोड़ा, ओके। और ये जो हमारा चार्ट है हम यहाँ पर इसको रख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसको जैसे कि मैंने यहाँ पर कलर दिया है, ये वाला कलर कैसे दिया है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर इसको इस तरह से सिलेक्ट करूँगा और ये हमने इसके बैक के जो बैक साइड के जो सेल है ना वो सिलेक्ट किए हैं, और जो भी कलर आप देना चाहें मैं ये वाले दे देता हूँ। और इसको पकड़ के थोड़ा हम नीचे कर लेते हैं और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये इसकी जो डिज़ाइनिंग होती है वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितने अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये ले लेता हूँ और इसको बोल्ड इस तरह इसको कर दे, इसी तरह से हम इसको यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर से कॉपी करते हैं, यहाँ पर क्लिक, अब ये आ गया। अब हम इसको बॉर्डर दे देते हैं, इस पूरे को पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको हम ये वाला बॉर्डर देते हैं मोटा वाला। और इसी तरह से अब इस शेप को भी बॉर्डर देना है, इसको कैसे देंगे देखिए, यहाँ पर रखा मैंने और यहाँ पर हम जाएंगे फॉर्मेट में और शेप आउटलाइन ब्लैक कलर से मुझे देना है, और इस आउटलाइन को मुझे इसका वेट जो है थोड़ा मोटा कर देते हैं, ये देखिए बाहर क्लिक। तो इस तरह से हमारा बन गया है। देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक्सेल में ये डैशबोर्ड MIS रिपोर्ट वगैरह डीपली सीखना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इस तरह के डैशबोर्ड में आपको सिखाऊंगा, ये देखिए पूरा इन्फॉर्मेशन जो है ये इस तरह से चेंज होती है, ठीक है। और एक डैशबोर्ड आपको मैं ये दिखा देता हूँ, तो ये थोड़े से सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर आप ये डीपली सीखना चाहते हैं तो मेरे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैं बेसिक से एडवांस तक यहाँ पर मैं सारी चीज़ आपको सिखाता हूँ इस कोर्स के अंदर। तो ₹2000 का ये एडवांस एक्सेल कोर्स है, इसके अंदर आपको 90 वीडियोस मिलेंगी। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा आप चेक कर लेना। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर इंस्टाग्राम है इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको लेटेस्ट चीज़ें एक्सेल की एक से एक नई नई चीज़ें आपको देखने को सीखने को मिल जाएंगी। तो चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ नेक्स्ट कैसे यहाँ पर हमने करना है। तो चलिए यहाँ पर ये हमने बटन बना दिया, अब यहाँ पर हमें लिखना है डैशबोर्ड। तो इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, इस पर क्लिक और यहाँ पर मैं इस तरह से ये ड्रैग करके यहाँ पर लिख लेता हूँ डैशबोर्ड और एंटर करके रिपोर्ट, डैशबोर्ड रिपोर्ट, ठीक है। इसको हम सेंटर कर लेते हैं, सेलेक्ट करेंगे सेंटर, सेंटर बोल्ड और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। जितना भी आपको चाहिए इसको अब यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं इस तरह से, ओके। अब इसके हम बैकग्राउंड हटा देते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फिल और इसको नो, और आउटलाइन भी इसके हम नो कर देंगे वरना आउटलाइन आ जाएगी। और इसका हम थोड़ा साइज और बड़ा कर लेते हैं। अभी हमारा इसका पार्ट बचा है, इसको चेंज वाला, इसको चेंज करना है तो इसका थोड़ा मैं कलर हल्का ले लेता हूँ, थोड़ा ये वाला लाइट कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल सही लग रहा है। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी लुकअप से इस कैलकुलेशन वाली शीट से ये अपना डेटा यहाँ से उठा लेते हैं। तो वी लुकअप लगाने के लिए इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है ये नाम, कॉमा कहाँ पर ढूंढना है, मुझे ढूंढना है इस एरिया के अंदर, पूरी टेबल हम दे देते हैं चलिए इसको, फिर कॉमा लगाएंगे। अगर मिल जाए ये नाम यहाँ पर मिल जाए तो क्या करना है, कॉलम नंबर टू की वैल्यू उठानी है, वन ये है और टू ये है, तो कॉमा टू, और यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला चल रहा है कॉमा टू, फिर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर है एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो, तो जीरो टाइप कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई है, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको लॉक कर देंगे, जो हमने अगली शीट जो है ना कैलकुलेशन शीट में इसको एरिया बताया था। तो A3 से लेकर B12 तक इसको मैंने सेलेक्ट किया और F4 का बटन दबा दिया तो ये डॉलर लग गए, इसका मतलब ये लॉक हो गया, एंटर कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको पकड़ के यहाँ तक नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ, नीचे यहाँ पर टोटल का फॉर्मूला लगा देंगे, ऑल्ट के साथ इक्वल टू और एंटर, तो यहाँ पर इसका टोटल भी हो जाएगा। इसको हम रुपीज़ के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाकर ये रुपीज़ का सिंबल जो है ये यहाँ पर इस तरह से डेसिमल इसके कम कर देते हैं, तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो अमाउंट है मैच कर लेते हैं, 60201 60201 और लास्ट वाला है 46108 46108, तो मतलब हमारा बिल्कुल सही आ गया। अब देखिए एक काम और करते हैं, ये जो हमारा स्लाइसर है इसका थोड़ा डिज़ाइन चेंज कर लेते हैं। इस पर क्लिक किया, ऑप्शंस में गए और यहाँ पर इसके स्टाइल दिए हुए हैं काफ़ी सारे, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है, ये देखिए ब्लू वाला ले लेते हैं, ये भी सही लग रहा है, ओके।
तो अब यहां पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरी इंफॉर्मेशन इस तरह से चेंज हो जाएगी। ये देखिए अभी यहां पर एक कमी है। एक कमी क्या है, यहां पर ऊपर टोटल लिखा हुआ है, अभी नाम नहीं आ रहा। ये कैसा आएगा, ये देखिए नाम मैं बताता हूं आपको, पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूं। इस बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे, टोटल के ऊपर क्लिक करूंगा मैं, तो ये बॉक्स आ जाएगा। अब यहां पर फॉर्मूला बार पे लगाएंगे हम इक्वल टू, यहां क्लिक करके इक्वल टू, और क्या करेंगे, अब हम जाएंगे कैलकुलेशन वाली शीट पर और इस सेल पर मैं क्लिक कर देता हूं और एंटर कर दूंगा। अब देखिए यहां पर ये हमारा नाम जो है चेंज होता रहेगा, बाहर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए जो भी क्लिक करूंगा, दिल्ली तो दिल्ली, गुजरात कोलकाता, जो भी हमने नाम क्लिक किया वो यहां पर आ रहा है। तो ये कैसा आ रहा है एक बार मैं आपको और बता दूं, ये जो कैलकुलेशन वाली शीट है इसके अंदर जो भी हम, देखिए यहां पर मैं क्लिक करूं दिल्ली पे तो ये कैलकुलेशन में दिल्ली हो जाएगा, तो ये शीट ऑटोमेटिकली दिल्ली के हिसाब से चेंज हो गई ये वाली। और देखिए क्लिक यहां कर रहा हूं, चेंजेस इस वाली शीट में, मुंबई पे क्लिक किया मैंने और यहां पर ये देखिए मुंबई हो गया, मुंबई के हिसाब से सारा डेटा चेंज हो गया। तो ये जो दोनों शीट है आपस में कनेक्टेड है, और मैंने इसको इस वाले सेल का रेफरेंस दिया ना B1 का, तो ये B1 की वैल्यू यहां पर आ रही है, जो वहां लिखा हुआ यहां लिखा हुआ है, तो इसलिए यहां पर ये वो नेम उठाकर यहां पर ला रहा है। यहां पर क्लिक करेंगे तो ऑल का डेटा आ जाएगा। तो ये था एक छोटा सा, आपको मैंने डैशबोर्ड बनाना सिखाया है कैसे आप बना सकते हैं। इसको अगर आपको डीपली सीखना है तो आप मेरे एक्सेल के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको सीखने को मिल जाएगी। कोर्स का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। या फिर आपका कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।